क्या नाम है दादाजी आपका? मोहम्मद शफी। रमजान का महीने चल रहा है, रमजान रहने से हमारे जीवन में क्या असर होता है? बहुत कुछ सुधार हो जाता है। अच्छा, आप कब से रमजान रहते हैं, रमजान में रोजा कब से रहते हैं? अरे लगभग हो गया। अच्छा अच्छा, अब तक आपने कितने रमजान को छोड़ा है? अच्छा 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 अच्छा, रमजान कैसे रहा जाता है, रमजान में जो रोजा तो कैसे रहा जाता है, इसके नियम कायदे क्या है? इसके नियम यह है कि सुबह सहरी के वक्त जो है भिनसहरा के टाइम में दिन निकलने से थोड़ा पहले जी कुछ खा पी लें, बस और क्या, हल्का फुल्का, भर पेट नहीं जी, हल्का फुल्का खा रहे पेट में और खा के पानी पी लें, हमारे नबी की सुन्नत है जी। और उसके बाद दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है आपको जी, यहाँ तक कि आप लकड़ी के जिसे नीम की दातुन के अलावा कोई और दातुन भी नहीं कर सकते जी, ब्रश मंजन पेस्ट वगैरह नहीं कर जी, दांत में खिलाल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जी। रमजान रहने से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है रोजा रहने से? बहुत परिवर्तन होता है, जैसे आदमी एक इबादत करने का उसको नया तरीका मिल जाता है जी, और परहेजगारी का नया रास्ता मिल जाता है, आदमी हर बुराई से परहेज करता है। जो लोग रमजान के महीने में रोजा नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो ही तो बड़े गुनहगार हैं, जो लोग रमजान में नहीं रखते हैं, तो हमारे धर्म के मुताबिक जो है कि हमारे नबी ने बताया है कि दिन में खाना खाना जो है वो मिसाल ऐसे है जैसे इंसान सुअर का गोश्त खाए, दिन का खाना इसके बराबर है जी, इतना परहेज है। आपके परिवार में सभी लोग रमजान में रोजा रहते हैं? हाँ।